खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मध्य प्रदेश में सर बारिश जो हो रही है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्यादा है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में खासकर मंदसौर जिले में। हम मंदसौर जिले का जो बाढ़ग्रस्त इलाका है जहाँ पानी भरे इलाके हैं उस इलाके को दौरे पे निकले हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के रेवेन्यू मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जो इलाके का दौरा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हवाई सर्वेक्षण में यहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ है, खेतों में हर ओर पानी भरा हुआ है। जो 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 नदी नाले हैं वो भी एकदम उफान पर हैं। जो खेतों में जो फसल है वो भी पूरी लबालब भरी हुई दिख रही है। कुछ गांव हैं, तकरीबन 17 गांव हैं जहां पानी भरा हुआ है और बड़ी वजह यही है कि इसके चलते काफ़ी लोगों को परेशानी हुई है और मध्य प्रदेश के मंत्री इस इलाके का दौरा करने निकले हैं। मंत्री जी, ये मंदसौर में कितने माने कैसा बारिश और क्यों ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं? मंदसौर में बताया गया कि यहाँ मंदसौर के पर्टिकुलर एरिया मल्हारगढ़ और नारायणगढ़ में बहुत ज़्यादा पानी गिरा है, नुकसान हुआ है। यहाँ 4 लोगों की मृत्यु भी हुई है, 30-40 जानवर मारे गए हैं, बहुत सारे मकान भी गिरे हुए हैं। तो थोड़ा नुकसान हम लोगों के जितना आशंका थी उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है और सरकार पूरी तरीके से लोगों के साथ खड़ी है, जनता के साथ खड़ी हुई है। करीब 60 लाख का मुआवजा सरकार ने अभी तक दे दिया है और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की खबरें आ रही हैं हमारे लोग खड़े हुए हैं। और अच्छी बात है, यहाँ कलेक्टर ने बताया कि लोकल कमेटियाँ बना दी हैं। लोकल कमेटियाँ बनाने से उन्होंने अच्छा काम किया है। पटवारी थे उसमें, आ रही थे उसमें, लोकल पुलिस वाला था और लोकल का ग्राम सेवक थे, इन सारे लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। और जहाँ जहाँ भी हाई अलर्ट है, जहाँ जहाँ भी ऐसा लग रहा है कि पानी की बहुत ज़्यादा संभावना है, पूरे जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और हम लोग नज़र रखे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि सारे जिला में कि प्रशासन पूरी तरीके से सजग रहे, कहीं भी किसी प्रकार की घटना होती है वो घटना को तुरंत से अमली जामा पहनाकर उसको सही रूप दिया जाए और किसी व्यक्ति को नुकसान ना हो पाए। सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ हैं। आप देख सकते हैं नीचे जो गांव है, गाँव में पानी भरा हुआ है। ये जो बड़ा एरिया है ये गांधी सागर बांध के बैक वाटर है और इसका पूरा पानी खेतों में है, कुछ गाँव में है। हालांकि गाँव में राहत शिविर भी बनाए गए हैं जहाँ पर जो निचले इलाके के लोगों को जहाँ पानी भरा उनको निकाल के बाहर रखा गया। मंत्री जी, ये मंदसौर के अलावा और जिलों में भी बारिश हो रही है, झाबुआ में भी है, तो उन इलाकों में सरकार कैसे काम कर रही है? पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ हाई अलर्ट है, जहाँ जहाँ पानी की प्रॉब्लम हुई है, मंदसौर है, झाबुआ है, धार है और आपका होशंगाबाद है, सब जगह सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिला प्रशासन अलर्ट रहे, हमारे विधायक मंत्री अलर्ट रहे, किसी प्रकार की परेशानी आम जनता को ना हो, इस उस हर परेशानी से जूझने के लिए हम पूरी तरीके तैयार हैं। इसको आप आफत की बारिश कहेंगे या राहत की बारिश? देखिए, एक तरफ तो ये राहत की बारिश भी है, कई जिलों में राहत भी है। बहुत परेशान थे लोग कि पानी गिरना चाहिए, भगवान से दुआएं मांग रहे थे, अनेक प्रकार के अनुष्ठान चल रहे थे, तो लोगों को खुशी भी है। लेकिन खुशी के साथ साथ जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा हो गया वहाँ हम लोगों को आफत भी नज़र आ रही है। लेकिन आफत को भी सरकार खुशी में बदलना चाहती है। हमारा पूरा प्रयास होगा, सरकार का पूरा प्रयास होगा कि ईश्वर आफत ईश्वर की तरफ से आफत ना आए, आ भी जाए तो हम उसकी आफत को किसान की खुशी में बदलेंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी, सरकार की कोशिश रही कि कोई परेशान ना हो, दुखी ना हो। ये पानी जो गिरा है इसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश की जा रही है, प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है और ये इलाके खासकर पश्चिम मध्य प्रदेश में आज पानी रुका हुआ है, मगर आने वाले कुछ दिनों में एक और सिस्टम बनेगा और फिर बारिश की संभावना है, तो उसके लिए प्रशासन सतर्क है। बड़ी वजह यही है कि प्रशासन अलर्ट है, मौके पर मौजूद है, रेवेन्यू मंत्री दौरे कर रहे हैं, कलेक्टर भी मौजूद हैं और सबके चलते लोगों को राहत दी जा रही है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, मंदसौर।